तो भाई अभी सीन ऐसा था, आपको मैंने बताया था कि मैं गाड़ी को बनवाऊंगा उसके बाद बेचूंगा। तो भाई गाड़ी देख सकते हो आप, लेकिन आप हैरान होंगे भाई मेरी सिविक कहाँ गई। सवाल तो हर किसी के दिमाग में जरूर होगा कि सिविक भाई समझ की कहाँ गई, झूठ बताया था। तो भाई सिविक ये रही, नीचे कर सकते हो भाई सिविक, जो कि मैंने भाई हसन भाई को भेज दी थी। तो आज से भाई ओनर जो है ना, ये हसन भाई हैं और ये बिलाल भाई हैं। बिलाल भाई ये दोनों भाई ओनर हैं। तो भाई अभी सीन ऐसा था, आपको मैंने बताया था कि मैं गाड़ी को बनवाऊंगा उसके बाद बेचूंगा। तो भाई गाड़ी देख सकते हो आप, तो भाई गाड़ी बिल्कुल आप देख सकते हो कि कैसी बनाई हुई है आपके भाई ने, फुल पंप शू ये देख रहे हो। तो बिलाल भाई आपको मुबारक हो भाई, ये सिविक आज से आपकी हो गई, ये डील डन हो गई। अभी एक खाना खिला दो हमें, आप खाना तो लाजमी बनता है भाई आपका। बस फिर भाई खाना खाते मिलते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ दावत होती है, उसके बाद अगर दावत नहीं भी हुई तो हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट तो लाजमी लूंगा। तो कह रहे हैं चाचू के पास खाना, लेकिन चाचू के पास भाई हमारा बाइकआउट है फुल। तो माशाल्लाह से भाई आप देख सकते हो कि सिविक जो हमने काम कराया, वाकई में भाई काम करवाया हमने, कोई ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल टाइट काम करवाया, खर्चा किया है सिविक पे। तो भाई चेक कर सकते हो गाड़ी का लुक कैसा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार भाई लाजमी माशाल्लाह लाजमी बोलना है आपको। तो भाई इंटीरियर आप बिल्कुल देख सकती हो, बिल्कुल फुल मॉडिफाई है, फुल अपग्रेड और मॉडिफाई करवाया है भाई गाड़ी को। तो भाई अभी नसीम नगर कासमाबाद में हम आ गए हैं फास्ट फूड की जगह पे। अब खाना खाएं, बड़ी भूख खतरनाक लग रही है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, खाना खाऊंगा उसके बाद फिर मिलेंगे बाद में। भाई खाना शाना हमने खा लिया पेट भर के, अभी जा रहे हैं थोड़ा देखते हैं कहीं फिर एक्टिविटी भी हो जाए। तो भाई अभी आपका भाई जो है ना बिस्मिल्ला टाउन आई है, अभी दोस्त के पास आए, लेकिन यहाँ मच्छर बड़े ख़तरनाक हो रहे हैं। तो ये बिलाल भाई ने ना हल निकाला टाइट वाला, ये देख सकते हो, इनको बकराईद की कुरब अपना क्या बारहवीं की याद आ गई। अभी घर पहुंचा हूँ भाई, रात के 4:15 हो गए। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, अभी भाई आपका भाई जो है ना रात को आपको पता है फजर को आया था, उसके बाद भाई लंबा सो गया हूँ, अभी उठाऊँ, अभी सुबह के वैसे बज रहे हैं 11:30, लेकिन आप मौसम देख सकते हो कैसा VIP हो रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि बारिश भी हो रही है बूंदाबारी। तो आज सोच रहा हूँ कोई प्लान बनाया कहीं जाने का, अब सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। तो फैमिली सोई हुई है, उठे तो फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, उसके बाद फिर आप साथ ही हैं। तो गाइस आपका भाई जो है ना घूमने के लिए रेडी हो गया है। अब सीन ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ सिस्टर घर पे, वहां से फिर जाएंगे अल मंजर। अब अल्लाह करे भाई के अल मंजर खाली मिले हमें, क्योंकि भाई जहां भी जा रहे हैं ना भाई क्या करें, सब ने तो हर चीज पे कब्जा किया हुआ है। बॉलीवुड जाओ तो भाई वहां तो पांव रखने की जगह नहीं है, मच्छी मार्केट हुई हुई है। जाओ कहीं घूमने के लिए तो भाई कोई जगह ही नहीं है कि फैमिली के साथ बंदा कोई कहीं जा सके। अब क्या करें यार, हमें पसंद नहीं है कि भाई ऐसे फैमिली को हम घुसड़ घुसड़ के घुमाएं लोगों के सामने, ये वो मजा नहीं आता ऐसे। बंदा जाए तो आराम रिलैक्स बल्कि एक व्यू चेक करे, ना के रश में घूम रहा हो जैसे फकीरपीड़ की तरह। तो भाई अब सीन ऐसा है कि भाई अब देखते हैं, अल्लाह करे खैर हो, फिर दिखाते हैं आपको क्या सीन होगा आज। बाकी मौसम अच्छा है, हो सकता है कि भाई रश हो। अब कोई हैदराबाद में जगह भी नहीं है कि अब जाएं, हमारे पास एक जगह है अलबेदा, लेकिन वहाँ फैमिली बोल रही अब हम बोर हो गए हैं, तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। भाई सलालत वही हो गई जो मैंने आपको बताया था कि भाई रश खतरनाक हो रहा था। तो अभी एक नए रोड पे आया हूँ, देखते हैं यहाँ क्या। तो अभी जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं भाई मैं भी उनके साथ ही जा रहा हूँ,
बाकी मौसम चेक कर सकते हो आप। अब देखते हैं आगे, ये गया जो सारे यहीं जा रहे हैं भाई। तो आखिरकार भाई यहाँ आगे पहुँच गए, ये हालत है देखो। अब हैदराबाद ने बताया कहाँ कहाँ तो जाएं भाई, कहाँ जाएं, गजब बेइज्जती है। तो गाइस फाइनली थक हार गए, मिला कुछ भी नहीं बाहर, बिल्कुल ख्वारी और जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं मिला भाई का। तो इस वजह से भाई मैं फ़ौरन घर आ गया हूँ, बस नहीं पूछो तो अच्छा है। अब सीन ऐसा है कि भाई मैं घर आया हूँ, बड़ी थकान हो रही है, गाड़ी चला चला गया, पर फिर भी ये है कि कल सुबह ऑफिस जाना है, तो भाई ईद के दिन ख़त्म इंजॉय गए, अब फिर काम 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 स्टार्ट। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ी गाड़ी को चमका रहा हूँ, क्योंकि भाई मर्द की जो चीज़ है ना वो गाड़ी, गाड़ी अगर आपकी टाइट है तो बस सवारी मर्द की टाइट होती होनी चाहिए लाजमी। तो अभी आपका भाई जो है ना अभी गाड़ी को चमका रहा है, बिल्कुल A1 कर रहा है A1। सो फाइनली भाई गाड़ी जो है ना आपके भाई की लुक शुक में आ गई है, बिल्कुल अप्लाइड हो गई, अप्लाइड ये देख सकते हो। तो भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, लाइक और शेयर करके लास्ट में सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए है भाई अल्लाह हाफिज़।